नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल वास्तु विज्ञान हिंदी पर। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, सावन शिवरात्रि पर करें ये उपाय और पाएं सुख समृद्धि और खुशहाली। सावन का पवित्र महीना जारी है और इस बार भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना के लिए सावन का महीना 2 महीने तक रहेगा। सावन के महीने में आने वाले सोमवार व्रत, सावन प्रदोष व्रत और सावन शिवरात्रि की तिथियों का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है इन तिथियों पर भोलेनाथ की पूजा उपासना और उपाय करने से सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है और हर तरह की मनोकामना की पूर्ति होती है। इस साल सावन शिवरात्रि का महापर्व 15 जुलाई को है, यानी कि आज है। इसी के साथ सावन शिवरात्रि पर वृद्धि योग बन रहा है। शुभ योग बनने से सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करने पर 2 गुने फल की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र में सावन शिवरात्रि पर कुछ उपाय करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है और कई तरह के ग्रह दोषों से मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सावन शिवरात्रि के दिन कौन कौन से उपाय कारगर सिद्ध होते हैं। काल सर्प दोष, पितृ दोष और शनि का प्रकोप दूर करने के लिए ये उपाय करें। सावन शिवरात्रि पर शिव पार्वती के पूजन करने से उनकी सदैव कृपा बनी रहती है और प्रसन्न होकर वे अपने भक्तों की हर मनोकामना को शीघ्र पूर्ण करते हैं। कुंवारी कन्याएं इस दिन शिव पार्वती की पूजा करती हैं तो उन्हें मन चाहा वर मिलता है। इसके अलावा सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष, पितृ दोष और शनि का प्रकोप है, वे सावन शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक, पंचामृत या रुद्राभिषेक करें तो उन्हें जरूर लाभ होगा। सावन शिवरात्रि पर करें पौधारोपण। नारद पुराण के अनुसार सावन शिवरात्रि पर शिव पूजा के साथ वृक्षारोपण करने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार अच्छी सेहत पाने के लिए नीम का पौधा लगाएं, संतान के लिए केले का पौधा, सुख शांति समृद्धि के लिए तुलसी का पौधा और लक्ष्मी जी की प्राप्ति की इच्छा हो तो आंवले का पौधा लगाना शुभ माना गया है। पीपल लगाने से पितृदोष दूर होकर लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसी प्रकार वट वृक्ष मोक्ष प्रदान करता है। शिवजी और गणेश जी का प्रिय वृक्ष सभी रोगों का नाश करता है। अशोक का पौधा लगाने से जीवन के समस्त शोक दूर होते हैं। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए करें ये उपाय। कुंडली में पितृदोष होने से जीवन में बहुत कष्ट आते हैं, मांगलिक कार्यों में बाधाएं आती हैं। पितरों की आत्मा की शांति के लिए हवन, पूजा, श्राद्ध, तर्पण आदि करने के लिए सावन शिवरात्रि श्रेष्ठ तिथि होती है। दोस्तों, अब जान लेते हैं दीप दान का उपाय। अग्नि पुराण के अनुसार जो मनुष्य इस दिन मंदिर अथवा नदियों के किनारे दीप दान करता है उसके घर में सुख समृद्धि आती है। सावन में जब तक दीपक जलता है तब तक भगवान स्वयं उस स्थान पर उपस्थित रहते हैं, इसलिए वहां पर मांगी गई मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं। उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।